भारतीय खेल प्राधिकरण का बिलासपुर प्रशिक्षण केंद्र यानी साई हॉस्टल सन 1987 से लेकर आज तक न जाने कितने ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दे चुका है, बावजूद इसके आज ये हॉस्टल कोच की कमी का शिकार बना हुआ है। जी हाँ, ये सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे, मगर ये बात सच है। वॉलीबॉल में एसोसिएशन टाइगर के नाम से पहचान रखने वाले सुरजीत सिंह भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे पद्म श्री व अर्जुन अवार्डी अजय ठाकुर और बॉक्सिंग चैंपियन नवराज चौहान जैसे ना जाने कितने ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस हॉस्टल ने दिए हैं, लेकिन लंबे समय से वॉलीबॉल का कोच न होने के चलते इसे पंजाब के संगरूर स्थित मस्ताना साहिब स्थित कर दिया गया है और वॉलीबॉल के 10 खिलाड़ी भी अब वही प्रशिक्षण लेने को मजबूर है। वही इस खामी के चलते साई हॉस्टल में प्रशिक्षण ले रहे बॉक्सिंग व कबड्डी के खिलाड़ियों का कहना है कि साई हॉस्टल में खिलाड़ियों की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, मगर वॉलीबॉल कोच की कमी के चलते खिलाड़ियों को अन्य राज्य में शिफ्ट करना दुखद बात है। वहीं बॉक्सिंग के कोच विजय नेगी सहित हॉस्टल के खिलाड़ियों ने खेल विभाग और प्रदेश सरकार से जल्द कोच उपलब्ध करवाने और शिफ्ट किए गए खिलाड़ियों को वापस लाने की अपील की, ताकि प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेने के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़ सके। वहीं इस बात पर जब युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश खेल सचिव से भारत सरकार में बैठे संबंधित पदाधिकारियों से बात करने और इस दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाने की बात कही, ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को साई हॉस्टल में ही सभी सुविधाएं मिल सके। विभाग द्वारा गोविंद सागर कोल डैम गमरोला व सीरखंड में एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के 44 एंगलरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में अधिकतम वजन वाली मछली पकड़ने वाले एंगलर में चंडीगढ़ के पारस प्रथम, दिल्ली के शिव कुमार दूसरे स्थान पर तथा गुरुदासपुर के अब्दुल हवीज तीसरे स्थान पर रहे। जबकि अधिकतम संख्या में मछली पकड़ने वाले एंगलरों में चंडीगढ़ के सुरेंद्र, दिल्ली के शिव कुमार व मोहाली के अशरफ अली खान संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे तथा गुरुदासपुर के अब्दुल हाफिज व चंडीगढ़ के राजेंद्र संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। जबकि मत्स्य विभाग हिमाचल के निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि प्रदेश में एंगलिंग के पर्यटन के साथ जोड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और अगली बार इस प्रतियोगिता का बड़ा आयोजन किया जाएगा। पहले राष्ट्रीय स्तर एक्रो एंड एक्यूरेसी कप का, जिसे ऑल इंडिया पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। वहीं इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करने प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का आगाज किया। गौरतलब है कि सेंटर से एक्सपर्ट की टीम द्वारा बंदलाधार को पैराग्लाइडिंग साइट अप्रूवल दिए जाने के बाद ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड और नेपाल के भी कई अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडर्स ने भाग लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश भर में लगातार इस तरह के प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाए जाने की बात कहते हुए 12 महीने पर्यटकों के आने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही। वहीं एक्रो एंड एक्यूरेसी कप में भाग लेने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडर्स निकोलस बोर्की और सुभाष थापा का कहना है कि बिलासपुर स्थित बंदला कीदार पर उन्हें काफी अच्छा लगा और यहां से दिखने वाला जारा किसी जन्नत से कम नहीं है। तो साथ ही गुजरात से पहुंची शुरभि चावला ने महिलाओं को पैराग्लाइड के क्षेत्र में कुछ कर गुजारने की अपील की है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में देश विदेश से कुल 75 पैराग्लाइडर्स ने भाग लिया, जो कि पैराग्लाइडिंग के दर्शकों को हैरत अंगेज करतब भी दिखाएंगे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हाई एल्टीट्यूड सेंटर यहां पर बने। मेरी इच्छा है कि धर्मशाला में बने, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। राज्य सरकार यदि उसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाती है तो हम 2 साल में इसे बनाकर देंगे और देश और दुनिया के खिलाड़ियों को यहाँ ट्रेनिंग दिलवाने और करवाने के प्रयास करेंगे। अनुराग ठाकुर इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में 81वीं कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। इस दौरान कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर, स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप बड़ा करने की अपार संभावनाएं हैं और बड़े हवाई जहाज यहां लैंड करवाने की, जिससे पूरे देश प्रदेश को और दुनिया के साथ जोड़ा जा सकता है। स्थानीय सांसद किशन कपूर और स्थानीय विधायक से निवेदन है कि इस मांग को सरकार के समक्ष उठाएं और इस संबंध में केंद्र में भी बात की जाएगी, जिससे कि कांगड़ा एयरपोर्ट को बड़ा किया जा सके और विस्तारीकरण किया जाए। एयर स्ट्रिप बड़ा होने से बड़े जहाज यहां लैंड होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और एयर टिकट भी सस्ती होगी। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस को 100 टेबल देने की घोषणा की। अनुराग ने कहा कि एसोसिएशन की और टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी के लिए प्रदेश के कोने कोने में अपनी सेवाएं देने की शुरुआत की जाए। प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन इस दिशा में कार्य करती है, तो निश्चित तौर पर टेनिस को भी बढ़ावा मिलेगा।